मित्रों नमस्कार। मित्र मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं भारत सरकार के एक नए गजट के बारे में। दोस्तों ये गजट 15 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन में आ गया है और ये गजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा नोटिफाई किया गया है। मित्रों इस गजट के द्वारा ये फाइनलाइज हुआ है, ये नोटिफिकेशन हुआ है कि अब 15 अप्रैल 2021 के बाद 15 अप्रैल 2021 के बाद में भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो कि महीने में 4 शनिवार में दूसरे और चौथे शनिवार को ही सिर्फ छुट्टियां हुआ करती थी, उस छुट्टी को बढ़ाते हुए सभी शनिवार और सभी रविवार को पूर्ण रूप से छुट्टी रखी जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी सूचना है आप सभी ग्राहकों के लिए, आप सभी अभिकर्ता बंधुओं के लिए जिनके संज्ञान में ये चीज आनी चाहिए। और ये संज्ञान जारी करने के लिए डिपार्टमेंट ने अपने स्पेशल पावर को यूज किया है और वो स्पेशल पावर मिलता है ए एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फॉर्मेड बाई सेक्शन 25 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का 26 ऑफ 1881। 1881 में एक कानून बना था जो सेक्शन 25 का था और उसके अंदर इसको स्पेशल पावर के साथ में चेंज किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बी डिक्लेयर एवरी सैटरडे एज ए पब्लिक हॉलीडे फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विथ इमीडिएट इफेक्ट। और दोस्तों इसके ऊपर जो हस्ताक्षर है ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर सौरभ मिश्रा जी का है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही ये चीज कानून का रूप धारण कर लिया है और अब के बाद हर शनिवार और हर रविवार जो पहले की तरह भी प्रत्येक रविवार को छुट्टी हुआ करती थी, महीने में सिर्फ 2 शनिवार ही छुट्टी होती थी, अब सभी शनिवार की छुट्टी रहेगी। दोस्तों इससे बहुत ज्यादा भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्य करने की क्षमता के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगी और ये एक बहुत ही दूर परिणाम देने वाला और काम पद्धति को और भी लचीला करने वाला भारत सरकार का कदम है। दोस्तों इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की।